अस्सलाम वालेकुम, आई एम मदिया अल्ताफ, लेक्चरर ऑफ HND एट टाइम्स इंस्टीट्यूट मुल्तान। एंड इन दिस सेमेस्टर आई एम गोइंग टू टीच यू फूड माइक्रोबायोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ फूड माइक्रोबायोलॉजी। वट इज़ फूड माइक्रोबायोलॉजी? फूड माइक्रोबायोलॉजी बेसिकली एक साइंसी ऐसी ब्रांच है जिससे हम जनरली अपने फूड में प्रेजेंट होने वाले तमाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं। फूड माइक्रोबायोलॉजी की जो स्टार्ट है, जो इसकी हिस्ट्री में जाएँ तो फूड माइक्रोबायोलॉजी जो है वो ग्रेजुअली माइक्रोस्कोप के डिस्कवरी के साथ साथ ही जो है वो फूड माइक्रोबायोलॉजी फ्लरिश की। फर्स्ट माइक्रोस्कोप जो है वो जनरली फर्स्ट माइक्रोस्कोप 1658 में किर्चर ने फर्स्ट माइक्रोस्कोप 1658 में डिस्कवर की, जिससे हमारी फूड माइक्रोबायोलॉजी का जो है वो हमारा फर्स्ट जो है वो हुआ स्टार्ट आया फूड माइक्रोबायोलॉजी का। माइक्रोस्कोप जो है वो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के लिए यूज़ की जाती है जो कि हमारी फूड में प्रेजेंट होती है। लेकिन जो किर्चर ने फर्स्ट माइक्रोस्कोप डिस्कवर की थी उसके लेंसेज इतने स्मॉल थे कि उसकी हेल्प से हम जनरल आम बैक्टीरिया को भी नहीं देख सकते थे। देन उसके बाद फर्दर जो है वो एडवांस माइक्रोस्कोप को रॉबर्ट हॉक ने 1664 में डिस्कवर किया, जिसकी हेल्प से जो है वो फूड में प्रेजेंट होने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया जाता है। फूड में बेसिकली जो है वो 5 to 6 किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से एक बैक्टीरिया, यीस्ट, मोल्ड, वायरसेस, अल्जी एंड प्रोटोजोआ। अगर हम सेल के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बैक्टीरिया को जो है वो प्रोकैरियोटिक्स कहा जाता है, क्योंकि उसमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो जनरली आइडेंटिफाइड नहीं होता। और यीस्ट और मोल्ड और एल्जी और प्रोटोजोआ को यूकैरियोटिक्स कहा जाता है, क्योंकि उसका सेल स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस जो है वो डिफाइंड होता है। और वायरसेस का जनरली सेल स्ट्रक्चर जो है वो हमें डिफाइन नहीं होता, इस वजह से हम इसको एक सेपरेट ही ग्रुप में रखते हैं। जनरली जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम पहले उसको प्योर कल्चर में जो है वो डिवाइड करें, उसकी करेक्टरिस्टिक्स, उसके साइज़ और उसकी कल्चर के हिसाब से उसे डिफरेंट किस्म की कॉलोनीज़ में हम उसको प्लेस करें। देन उसके बाद हम उसको उसकी साइज़, शेप और करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग फर्दर वन वन उसको स्टडी करें। फूड हमारी फूड जनरली जो है जो हम कहीं मार्केट से परचेज करते हैं तो जनरली उसमें बहुत से किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो कि हेल्दी होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कि अनहेल्दी होते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि हम कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी फूड में खुद ऐड करते हैं ताकि हम उसकी करेक्टरिस्टिक्स को बेटर कर सकें और उसमें से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में क्या होता है कि हम मिल्क में कुछ बेनिफिशियल बैक्टीरिया ऐड करते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करके कर्ड, चीज़ और बटर मेकिंग करते हैं। पास्ट में अगर हम देखें तो माइक्रोबायोलॉजी की कुछ ऐसी एडवांस स्टडीज़ नहीं अवेलेबल थी, जैसे कि हमें पता है कि पास्ट में जो है वो लोग ज़्यादातर हंटिंग करते थे और मीट वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा उनकी डाइट का पार्ट होता था। और अगर हम तब पास्ट स्टडीज़ में भी देखें तो कुछ लोग जो है वो प्रिजर्वेशन के कुछ मेथड यूज़ करते थे, जिसमें साल्टिंग और स्मोकिंग होता था। लोग ज़्यादातर सॉल्ट या आइस या फिर जो है वो स्मोकिंग जो है उसकी कुकिंग के लिए डायरेक्ट उसको फायर के साथ इंटरेक्ट करके उसको कुक करते थे, जिसमें से हमें ये पता चलता है कि उन लोगों को ये तो नहीं पता था कि माइक्रोबायोलॉजी की हमारी लाइफ में क्या रोल है। वो एज अ प्रिजर्वेशन टेक्निक उसको यूज़ नहीं करते थे, वो एज अ टेस्ट इन्हेंसर कुछ प्रिजर्वेशन की टेक्निक को यूज़ करते थे। अगर हम इसकी हिस्ट्री में देखें तो 18,000 से 10,000 BC अगर हम जाएँ तो हमें पता चलता है कि प्रिजर्वेशन की कुछ टेक्निक्स जो है वो उस टाइम पर अवेलेबल होती थी, जैसे हमारी केनिंग, पिकलिंग, सॉल्टिंग, स
सॉल्टिंग, केनिंग, पिकलिंग, ड्राइंग, ये कुछ मेथड थे जो कि हमें 18,000 से जो है वो 10,000 बीजी प्रिजर्वेशन हमारी फूड माइक्रोबायोलॉजी की स्टडीज़ में एडवांस हो चुकी थी। देन उसके बाद हम आज की माइक्रोबायोलॉजी को देखें तो तकरीबन 20 सेंचुरी में जाके जो है वो फूड माइक्रोबायोलॉजी बहुत मॉडर्न और एडवांस हो गई और फर्मेंटेशन, फूड स्पॉइलेज और फूड माइक्रोबायोलॉजिकल जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी फूड बॉर्न डिजीज़ होती हैं उसको किस तरह से हमारी फूड से जो है वो पॉजिटिव एजेंट कौन से पाए जाते हैं जो कि हमारी फूड बॉर्न इलनेसेस की कॉज बनते हैं वो तमाम हमने जाके 20 सर्जरी में जाके डिवेलप किए अपनी फूड में से। आज अगर हम माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी देखें तो हमें ये पता चलेगा कि किस तरह से एक तो फूड स्पॉइलेज कौन से पॉजिटिव एजेंट होते हैं जो कि हमारी फूड को स्पॉइल करते हैं और किस तरह से करते हैं और देन उसके बाद हम ये देखते हैं कि किस तरह से फर्मेंटेशन से हम बेटर कर सकते हैं और फिर फर्दर अगर हम स्टडीज़ करें तो हमें ये भी पता चल जाता है कि फूड स्पॉइलेज के क्या कॉजेज हैं किस तरह से और नेक्स्ट फूड माइक्रोबायोलॉजी ने फूड टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है कि किस तरह से हम बैक्टीरिया को जो या अपने वायरसेस या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको यूज़ करते हुए अपनी फर्टिलाइज़र और क्रॉप्स को किस तरह से बेटर कर सकते हैं या किस तरह हम किसी बैक्टीरिया को या अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एज अ मेडिसिन में ऐड करके हम एक जो है वो ट्रीटेबल मेडिसिन बना सकते हैं इंजेक्शंस में या किस तरह हम किसी को इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं ये सब आम सब जो है वो हमारी फूड माइक्रोबायोलॉजी की एडवांस स्टडीज से ही बेटर होता है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इन